नमस्कार, मैं हूं सुखदेव सिंह राजपुरोहित। आप देख रहे हैं हमारा न्यूज चैनल सायला तक। आज हम ऐसे कलाकार की बात करेंगे जो बाल कलाकार आज काफी वायरल हो रही है, जो काफी सबसे सहरा है। आपको बता दें कि ये बाल कलाकार हैं श्री राजपुरोहित, जिसने कई मंचों पे कई भजन गाकर श्रोताओं को झूमने पर मजबूर किया है। हमारे साथ हैं श्री राजपुरोहित। श्री राजपुरोहित, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। ये बताएं कि आपको भजन गाने का शौक कब से लगा? मैं जब से 4 साल की थी तब से मैं ऐसे गुनगुनाती थी, खेलते खेलते। अच्छा, ये बताओ आपने सबसे पहले मंच पे कौन सा भजन गाया था? मैंने आज हमारा भोले बाबा गाया था। कुछ इसकी पंक्ति आप सुनाएंगे दर्शकों को? जी सुनाएं। आज हमारा भोले बाबा भोंग घड़ी पी दिए, आज हमारा शंकर बाबा भोंग घड़ी पी दी रे, भोंग राना शमेर बाबू परणवाने आयो रे, भोंग राना शमेर बाबू परणवाने आयो रे। बहुत शानदार। आप आगे जाके क्या बनना चाहते हो? अभी आप क्या करते हैं, पढ़ाई करते हैं क्या? हाँ। कौन सी में पढ़ रहे हैं आप? मैं फोर्थ में। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं आप अभी? नोबल स्कूल पालना। आप जो भजन गाते हैं इनमें आपका सबसे ज्यादा सपोर्ट कौन कर रहा है? मम्मी और पापा। आज तक आपने ऐसे कौन से बड़े मंचों पे भजन गाए हैं, कुछ नाम बताएंगे आप? मंच पे? हाँ, किस मंचों पे? जोगीदास और जसोल, चोटीला धाम और भी जोगीदास थे। यानी आपने कई जो बड़े कलाकार उनके साथ भजन गाए हैं। और परशुराम महादेव, लाखोटिया भी। अच्छा, आपको कहीं ऐसा बड़ा पुरस्कार मिला है क्या आज के भजनों में? मतलब परशुराम महादेव वगैरह आपने प्रतियोगिता में भाग लिया, वहाँ पे कोई पुरस्कार मिला है आपको? हाँ, परशुराम महादेव में आपको पुरस्कार मिला है। ये बताएं आप कि आप जो पढ़ाई कर रही थी उसमें आपकी शिक्षा, संगीत शिक्षा भी साथ में कर रहे हैं क्या? संगीत शिक्षा में आपको कौन पढ़ाता है? जीतू सर। संगीत शिक्षा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। आपने स्टूडियो में जाके भी कोई भजन गाया है क्या? हाँ। कौन सा भजन गाया आपने? मतलब ऐसे बहुत सारे भजन हैं, चार हैं। उनमें से फेमस भजन कौन सा है आपका? परमा रोरी अदर देवी आबू जी बीराज, ये वाला भजन है आपका। और ये आप जय श्री राम के नारे लगाते हो, भारत माता की जय बोलते हो, ये आपको किसने सिखाया? आगे आपका ऐसा कोई नया स्टूडियो में नया भजन आने वाला है क्या? हाँ, अभी एक निकालने वाले हैं राजस्थान। कौन सा भजन गाएंगे आप? वो तो अभी लिखवाना है। अभी लिखवाना है, उसके बाद स्टूडियो में गाएंगे आप। आपके अगर भजन किसी को, दर्शकों को सुनने हैं तो कौन से चैनल पे मिलेंगे? मेरे? हाँ, श्री राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। हाँ, वो आपका खुद का। अगर आपको सुनने भी हो तो ऐसे भी आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे सिंगर श्री राज। अभी जो आप प्रोग्राम लेते हैं वो पे यानी पैसे लेके करते हैं या फ्री में कर रहे हैं? बजट होता है। अगर कहीं जागरण में आपको प्रोग्राम के लिए बुलाना है तो उसके लिए किसे संपर्क करना पड़ता है? आपके कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह है क्या? हाँ, वो दर्शकों को आप दे दीजिए। वो मेरे पापा के नंबर है 6352614721। एक बार दोबारा बोल दीजिए। 6352614721। ये थी श्री राजपुरोहित, जिसने अपने नंबर भी दिए हैं। इनसे अगर कोई प्रोग्राम करवाना है तो ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप इनको ये बुला सकते हैं। ये श्री बताएं आप कि आपने जो कलाकारों के साथ भी प्रोग्राम किए हैं, आप खुद भी कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है प्रोग्राम में जाकर? जो जैसे भीड़ होती है, भीड़ के सामने भी आप जाते हो तो उन भीड़ को देखकर आपको डर नहीं लगता? आप बेझिझक कैसा गाते हैं, ये कैसे गाते हैं? हाँ? कैसे गाते हैं बेझिझक? गाते हैं, डरते नहीं हो आप? नहीं। भीड़ का डर नहीं लगता? नहीं। देखो, मुझे हर मंच पर सारे कलाकारों का मान सम्मान मिलता है, सभी मुझे सपोर्ट करते हैं, सारे कलाकार। ये थे हमारे साथ नेहनी कलाकार श्री राजपुरोहित। इन्होंने अपने बारे में बताया कि मैंने कई मंच साझा किए हैं, मैं बेझिझक होकर मंच पे गाती हूँ, मेरे को कोई संकोच नहीं होता है। आगे जाकर इसका सपना यह है कि मैं एक बड़ी सिंगर बनूंगी।